Hello everyone, welcome to yet another episode of Probability and Statistics, where in the last video we were discussing about the discrete joint probability distribution. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट टू कॉन्टिन्यूअस जॉइंट पीडीएफ की. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है. नाउ जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट में बात की हुई थी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, उसी तरह से जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है. हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया भी हुआ था कि व्हाई इज इट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वेर एज इन कंटिन्यूअस केस व्हाई इज इट कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग जो है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं. यहाँ पे आप अगर सबस्क्रिप्ट चाहे तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई लगा सकते हैं. विच आर रैंडम वेरिएबल्स, वेर एज दीज आर द वैल्यूज ऑफ दैट द रैंडम वेरिएबल्स आर गोइंग टू यू नो अक्वायर. सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज हाउ वी डिनोट द जॉइंट पीडीएफ. नाउ पीडीएफ के जैसे रूल्स होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग समेशन हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अगर आप माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक अगर आप समेशन करते हैं यहाँ पे डी एक्स डी वाई, राइट, और यहाँ पे भी अगेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि बाई वेरिएट डेटा है तो यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो इवेंचुअली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, क्या लगता है आपको यहाँ से क्या मिलेगा, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन, है ना. सो दैट इज वन थिंग. दूसरा कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, ये कभी भी जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है. कोई भी अगर आप पीडीएफ की वैल्यू देखेंगे किसी भी वैल्यू पे रैंडम वेरिएबल की, तो वो हमेशा इक्वल्स टू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ही मिलेगा आपको. ठीक है, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीडीएफ. नाउ टॉकिंग अबाउट द सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, so that is nothing but that is in its name as the name suggests, क्या कर रहे हैं वो जो पीडीएफ है उसको क्यूमुलेटिवली यू नो हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, दैट इज अक्यूमुलेट हो रहे हैं जितना भी प्रोबेबिलिटी है वो. सो दैट इज नथिंग बट कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से एक्स, माइनस इन्फिनिटी से वाई, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई. ठीक है, पूरा का पूरा नहीं जाना है आपको, जहां तक जाना है. और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई से. ठीक है, तो अगर आपको एक्स वाई तक जाना है तो आपको अपर लिमिट जो है वो आपको कितना क्यूमुलेट करना है टिल एक्स एंड टिल वाई रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो ये तो बात हो गई पीडीएफ की, और ये बात हो गई सीडीएफ की, विच इज अगेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और हम लोग किसकी बात करते हैं, डिस्क्रीट में किसकी बात की हुई थी, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की हुई थी. तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस केस में भी क्या होता है, आई विल जस्ट रब इट ऑफ. इन दिस केस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज एफ ऑफ, दिस इज, दीज आर द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स एंड वाई. ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर मुझे मान लीजिए कि ये निकालना है, तो जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट में प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्क्रीट में बात की थी कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक्स आई के लिए निकालना है, या इस केस के अंदर मुझे एक्स की वैल्यू के लिए निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस वैल्यू को फिक्स रखते हुए मुझे y की वैल्यूज को स्वीप करना पड़ेगा, मतलब y की सारी वैल्यूज के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे. सो दैट इज ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या आपको जहां से जहां तक भी जाना है. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाई आ जाएगा. दिस इज वाई वन टू वाई टू, आपका जो भी डेटा है, अगर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है तो ठीक है, आपका जहाँ डेटा जो है वो वाई रैंडम वेरिएबल वाई जो है वो जितना डेटा ले रहा है उसको आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट में रख देना है. तो यहाँ से आपको मार्जिनल
ये मिल जाएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा एक्स का। और उसी तरह से अगर आपको वाई का चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू जो कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है, एक्स कॉमा वाई, और स्वीप करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, एक्स का और वाई का, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको आगे अगर समझना है आगे क्या आएगा, आगे एक और चीज है विच इज कॉल्ड, जैसे डिस्क्रीट के केस में भी थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, लेट मी से या सो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई क्या हो जाएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कुड से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ देम, सो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, वेयर एफ ऑफ वाई इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। और उसी तरह से एफ ऑफ वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहाँ पे अभी देखी, पीडीएफ विच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑफकोर्स द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने देखा देखा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्जिनल फंक्शंस, और उसके बाद हम लोगों ने देखा दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चारों चीजें जो है वो अब हम लोग क्वेश्चन के अंदर समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा हुआ है हमें। चलिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पीडीएफ दिया हुआ है एक बढ़िया सा, जिसका डेफिनेशन क्या है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है जीरो से लेके एक्स, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा जीरो लेस देन वाई लेस देन बी, ठीक है। इस लिमिट में तो फंक्शन जो है वो ये है और बाकी की जगह पे फंक्शन जो है वो जीरो है। हमें क्या पूछा हुआ है, देखिए हमें सारी चीजें जितनी भी मैंने अभी पढ़ाई है वो सारी की सारी यहाँ पे पूछी हुई है, तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो क्या पूछा हुआ है, ये क्या है, सी डी एफ है, कैपिटल एफ का मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग माइनस इंफिनिटी से एक्स तक जाते हैं, है ना, और यहां पे भी माइनस इंफिनिटी से वाई तक जाते हैं, वन बाई ए बी। अच्छा चलिए अभी के लिए तो ये लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से चालू नहीं हो रहा है, फॉर्मूला में माइनस इंफिनिटी है लेकिन यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से जीरो तक तो ये जो है वो फंक्शन की वैल्यू ही जीरो है, तो हमें यहां से क्या लेना है, जीरो से लेके एक्स तक जाना है, पूरा का पूरा ए तक नहीं जाना है क्योंकि एक्स जो है वो ए से छोटा है, तो हमें यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेके, नॉट माइनस इंफिनिटी अगेन, इट्स नॉट, इट इज जीरो से लेके एक्स तक जाना है, जीरो से लेके वाई तक जाना है, वन बाई ए बी चूंकि वो कॉन्स्टेंट है तो मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वन डी वाई डी एक्स, ठीक है। चलिए एक 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 करके इंटीग्रेट करते, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई होगा, सो दैट इज वन बाई ए बी इंटीग्रेशन ऑफ वन विच इज इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई विच इज वाई, सो वाई, ठीक है। यहाँ पे आपको कहां से कहां तक जाना है, जीरो से वाई तक जाना है डी एक्स, जीरो से वाई वाई माइनस जीरो दैट इज वाई, और फिर वो हो जाएगा वन बाई ए बी वाई, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है, डी एक्स का भी यहाँ पे वन है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा जब आप अपर लोअर लिमिट रखेंगे, तो आपको इवेंचुअली यहाँ पे एक्स वाई बाई ए बी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वन डी एक्स है, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई बाई ए बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या पूछा हुआ है? इसमें और पूछा हुआ है हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। चलिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफ ऑफ एक्स निकालना है। सो दैट इज, जैसे मैंने बोला था, वाई वन से लेके वाई टू, जो कि इस केस में हो रहा है जीरो से लेके बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई। सो दैट इज जीरो से लेके बी, वन बाई ए बी में बाहर रख देता हूं, यहां पे हो जाएगा वन डी वाई, दैट इज वन बाई ए बी, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई इज वाई, कहां से कहां तक, जीरो से बी तक, तो ये हो जाएगा वन बाई ए बी, बी माइनस जीरो विच इज बी, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, सो फाइनली आई गेट इट एज वन बाई ए। सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज वन बाई ए। चलिए बहुत बढ़िया। एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं उसी तरीके से, जीरो से लेके ए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, जो कि मेरे पास आ जाएगा वन बाई ए बी, बाहर लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा वन डी एक्स जीरो से लेके ए, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, जब मैं लिमिट पुट करूंगा मुझे ए मिलेगा, ए बाई ए कैंसल आउट हो जाएगा, सो इवेंचुअली आई विल बी गेटिंग वन बाई बी। चलिए बहुत बढ़िया। और पूछा है कि क्या ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे? एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्या हो रहा है? वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना है? ए वन अपॉन ए बी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एफ ऑफ एक्स इज वन बाई ए एंड दिस इज वन बाई बी, सो यस बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जो रैंडम वेरिएबल्स x और y है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कैसे पता चला? ये टेस्ट करके। तो कभी भी आपको चेक करना हो आप ये चेक करो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां हमें क्या पूछा हुआ है? यहां पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। ये तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, के टाइम्स एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, ये हमेशा कितना कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू, ऑलवेज इक्वल्स टू वन। कोई भी प्रोबेबिलिटी का अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप अगर उनको उसके प्रोबेबिलिटीज को एड अप करेंगे तो आपको वन ही मिलेगा, दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो आप इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। मैं पहले x से सॉल्व कर देता हूं, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे y को। जब हम x का इंटीग्रेशन करते हैं, आई होप आपको पता होगा कि y को कांस्टेंट रखते हैं, तो y को कांस्टेंट रखते हुए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे x टू द पावर 4 का मैं लिमिट लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें लिमिट्स जो है वो दिए हुए 0 से 2 और 0 से 2। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आई विल बी टेकिंग 0 से 2, राइट? सो दिस इज 0 से 2, और यहाँ पे भी 0 से 2 डी वाई, नहीं, यहाँ पे और एक टर्म बाकी है, एक्स स्क्वायर वाई टू इंटू वाई क्यूब, विच इज अगेन 0 से 2। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या बाकी है? डी वाई बाकी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बाहर k है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, तो when you solve this, this is 2 to the power 4 which is 16, 16 by 4 is 4, so this is 0 to 2 4y dy plus, now this is 2 square, 2 square is 4, 4 by 2 is 2, so that is 2 integration of y cube dy is equals to 1. When you solve it further, this is from 0 to 2, when you solve it further, k 4
चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं. व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, दिस इज वाई स्क्वायर बाई टू, वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज वाई स्क्वायर बाई टू, सो दैट्स फोर बाई टू, दैट इज वाई स्क्वायर जीरो टू टू प्लस टू, y to the power cube, y cube का integration is y to the power 4 by 4, so that's 2 by 4, y to the power 4, 0 to 2, this is equals to 1. When you solve it for this further, you get it as, this is cancelled out, so that now this is y square. When I put 2, I get it as 4, 4 to the 8, so this is 8, k times 8 plus this is 2 by 4, which is 1 over 2. Now this is 16, 2 square, 2 to the power 4 is 16, 16 by 2 is 8. So this is 8 plus 8 is equals to 1, that is k is equal to 1 by 16. So aapka k kitna aa raha hai? Aapka k aa raha hai 1 by 16. Chaliye, aage badhte hain. और क्या पूछा हुआ है हमें, और हमें पूछा हुआ है यहाँ पे कि एफ ऑफ वाई बाई एक्स निकालना है. ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स आपको निकालना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको एफ ऑफ वाई बाई एक्स निकालना है, सो दैट इज नथिंग बट, अभी मैंने समझाया हुआ था थोड़ी बार, थोड़ी देर पहले, कि वो क्या है, वो है समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको f ऑफ x मतलब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना पड़ेगा, विच इज 0 टू 2 k, k कितना है हमारा 1 बाई 16 है, x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब, और यहाँ पे स्वीप किसके थ्रू कर रहे हैं, dy के थ्रू कर रहे हैं, तो दैट इज 1 बाई 16. व्हेन यू सॉल्व दिस, दिस इज y को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, सो दिस इज x क्यूब बाई टू वाई स्क्वायर जीरो टू टू प्लस x बाई फोर वाई टू द पावर फोर जीरो टू टू, सो दैट्स 1 बाई 16 x क्यूब बाई टू, आई मीन दिस इज 4, सो दैट्स 4 गेट्स कैंसल्ड आउट, सो दैट्स 2x क्यूब प्लस, now this is 2 to the power 4 which is 16, 4 gets cancelled out, so that's 4x. आप यहाँ से 2 को common ले सकते हैं, तो 2 common आएगा, तो ये हो जाएगा 1 by 8 x cube plus 2x. ठीक है, ये देखिए f of x है तो वो x के terms में ही आना चाहिए, if it is f of x it has to be in terms of x, अगर वो नहीं आता है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है आपका. चलिए अब इसमें रख देते हैं यहाँ पे f of y by x, जो कि मेरा क्या आ रहा है, जो कि मेरा आ रहा है f of x comma y which is 1 by 16 xy cube plus x cube y upon the marginal distribution which is 1 over 8 x cube plus 2x. कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाएगी, जैसे कि यहां से मेरे पास x को कॉमन निकाल लूंगा मैं, यहां से ये कैंसल आउट होके हाफ रह रहा है, सो दैट इज हाफ. चलिए यहां से x को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को कॉमन लिया और y को भी ले लेता हूँ साथ में, तो दैट इज y कॉमन, x को कैंसिल आउट हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू. तो इवेंचुअली आपको f ऑफ y गिवन x क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा. ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले जब भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, जो कि हमें आता है, तो हम लोग उस तरह से सॉल्व करेंगे उसको. सो दिस इज हाउ यू गेट इट, आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, देखिए चीजें जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट जब आप उसको सॉल्व करेंगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी थिंकिंग के नहीं, दिस इज वेरी इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है, यहां पे थोड़ा सा आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज कॉन्टिन्यूअस थिंग, तो आपको सबसे पहले इसका फिजिकल रीजन निकालना पड़ता है. फिजिकल रीजन, व्हेन आई से फिजिकल रीजन, व्हाट आई से इज कि यहां पे ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मेरे पास क्या रीजन है. ठीक है,
तो चलिए पहले तो थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि पता चले कि करना क्या है। मेरा x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, जीरो से लेके टू, ठीक है। तो जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, और x इज इक्वल टू टू मतलब कि समथिंग लाइक दिस वर्टिकल लाइन। माई y इज वेरिंग फ्रॉम टू टू फोर, सो लेट्स से टू इज दिस, दिस इज y इज इक्वल टू टू एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू फोर, राइट। दिस इज गोइंग बियॉन्ड दिस, अगेन दिस इज ऑल्सो, this is x is equal to 2, this is y is equal to 2, this is y is equal to 4। चलिए बहुत बढ़िया, और क्या पूछा है हमें, और हमें एक और यहाँ पे रीजन चाहिए विच इज x प्लस वाई लेस देन 3। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाला लाइन देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे आपको y मिलेगा 3, दैट इज इसका एक पॉइंट तो हो जाएगा 0, 3 जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, और दूसरा पॉइंट जब आप y इक्वल टू 0 रखेंगे आपको x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, मतलब कि यहां से आपको मिलेगा एक और पॉइंट 3, 0। आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए और एक लाइन खींच लीजिए तो आपको मिल जाएगा समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। नाउ क्या रीजन चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई लेस देन 3, ओरिजिन से सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, तो 0, 0 प्लस 0 विच इज 0, 0 लेस देन 3, इज 0 लेस देन 3 या 0 इज लेस देन 3, मतलब कि ये वाला जो रीजन होगा वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये लाइन से दो रीजन बन रहे, एक अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि वो डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब कि दिस इज द रीजन, राइट। और उसमें भी आपको जो चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए और इसके अंदर, मतलब ये जो आपके पास जो स्क्वायर बन रहा है उसके अंदर होना चाहिए और वो भी नीचे आ रहा है, तो आपका जो फिजिबल रीजन बन रहा है ना वो ये वाला बन रहा है। आई होप इट इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा मैं इसको ट्राई करता हूं जूम इन करने का, क्योंकि हम लोग इस पे ऑपरेट करने वाले हैं, सो आई ट्राई टू ये वाला जो रीजन है उसको मैं थोड़ा सा चलिए बाकी इसको मैं मिटा देता हूं, इसका अभी इतना ज्यादा जरूरत नहीं लग रहा है, ठीक है। ये वाले रीजन पे वापस आते हैं, उस वैसे उससे भी हो जाता है ये थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। चलिए इस यहीं से समझने का ट्राई करते हैं। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई शुड बी लेस देन 3, तो इसका मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए। अब ये वाले रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, आपको कहां से कहां तक जाना है वो देखते हैं। देखिए मुझे y एक्सिस पे 2 से 3 तक जाना है, y एक्सिस पे 2 से 3 तक जाना है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक हॉरिजॉन्टल, मैं थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए, मैं एक हॉरिजॉन्टल बार ले लेता हूं, राइट। दिस इज अ स्ट्रिप और बार, हॉरिजॉन्टल बार विच इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। अब मैं यहां से उसको जो है वो स्कैन करके यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, तो y एक्सिस पे वो कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेके 3 तक जा रहा है, लेकिन x एक्सिस पे वो कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है। नाउ दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज आई कुड से इन केस ऑफ यू नो, अगर मुझे यहां पे लिखना है दिस इज बी एक्स बी वाई, रादर दिस इज dx dy, और ये लाइन जो है वो क्या है, ये लाइन है y इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 3, आई कैन राइट दिस लाइन एज व्हाट इज दिस लाइन, दिस लाइन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 3 माइनस x,
ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू, यू कैन कॉल दिस एज x इज इक्वल टू 3 माइनस y, ठीक है। तो यहां पे x जो है वो 3 माइनस y से लेके 0 तक जा रहा है, आई मीन 0 से लेके 3 माइनस y तक जा रहा है, सो दैट इज 0 से लेके 3 माइनस y। अगर आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया होता तो फिर वो जो है वो यहां से लेके यहां तक जाता, तो फिर आप वाइसा वर्षा कर सकते थे, ठीक है। तो वो जो है वो आप लोग नेक्स्ट में वर्टिकल लेके देखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज k टाइम्स 6 माइनस x माइनस y। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको इवेंचुअली जो है वो आंसर मिलेगा, और उससे पहले आपको k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहां पे k की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही ये हो पाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस इवेंचुअली यू गेट द थिंग, बट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन कैसे करना रहेगा, इंटीग्रेशन आपको जो है वो सबसे पहले आपको y का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 माइनस वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। या आप जो है वो, ठीक है, तो आप यहाँ पे y वाला कर दीजिए। सो दिस इज 2, 3, दिस इज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। सो दिस इज 6 का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे x की वैल्यूज रख देते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विच इज 3 माइनस वाई, यहाँ पे भी 0 से 3 माइनस वाई, और यहाँ पे भी 0 से 3 माइनस वाई, फिर वो y के टर्म्स में आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास y की एब्सोल्यूट लिमिट है, तो आप इंटीग्रेट करके y की लिमिट्स को पुट कर सकते हैं। बट ये वाला मेन चीज है कि आप क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, इसकी वजह से आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस यू फाइनली गेट द आंसर, बट गेटिंग द आंसर इज इजी बिकॉज आपको यहाँ पे खाली इंटीग्रेट करना है, बट ये लिमिट्स कैसे पुट कर रहे हैं वही एक इस टॉपिक के अंदर समझने वाली बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू y का मतलब क्या है, एक तो y एक्सिस है और दूसरी हमारी है दिस इज x इज इक्वल टू 1, और फिर 0 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, एक x एक्सिस है और एक हमारी है ये वाली लाइन विच इज y इज इक्वल टू 2, 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या बोला है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 1 का हम लोग लाइन बना लेते हैं विच इज 1, 0 एंड 0, 1, सो दिस इज 1, 0 एंड दिस 1 इज बीच में आ जाएगा 0, 1। चलिए यहां से जाएगी वो लाइन, यहां से वो लाइन इस तरह से जाएगी, और फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला रीजन है, और हमें ये रीजन के बाउंडेशन के अंदर चाहिए। इसका मतलब कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो हमारा फिजिबल रीजन ये वाला, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाना है और इनके बीच में चाहिए, ये वाले और ये वाले के बीच में चाहिए। तो आपको यहां से पहले तो मैं यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज 0, 1, दिस पॉइंट इज 0, 2, दिस पॉइंट इज 1, 0 एंड दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 1, 2 एंड दिस पॉइंट इज 1, 0। चलिए अब मैं एक कौन सी स्ट्रिप ले लेता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको भी एक अच्छा सा हम लोग अलग कलर ले लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। चलिए ये मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। अब आप ध्यान से देखिए कि वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो कैसे मूव करेगी, वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकली मूव करती है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप ले ली है, तो अब वो कैसे मूव करेगी, वो इस तरह से मूव करेगी। तो वो x एक्सिस के अलोंग कहां से कहां तक जा रही है, x एक्सिस के अलोंग वो 0 से 1 तक जा रही है, x एक्सिस के अलोंग वो 0 से 1 तक जा रही है। अच्छा y एक्सिस के अलोंग वो कहां से कहां तक जा रही है,
उसका वाई एक्सिस में अपर लिमिट है 2, लेकिन उसका लोअर लिमिट यहां से पता चल रहा है, और यहां पे से अगर पता चल रहा है तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है x plus y is equals to 1, that is I can say that y is equal to, I mean y पे जाना है ना हमें, तो y is equal to 1 minus x, ठीक है, तो लोअर लिमिट है 1 minus x और अपर लिमिट है हमारी y is equal to 2, so y is equal to 1 minus x and y is equal to 2, ये मेरी y के y एक्सिस के अलोंग में अपर एंड लोअर लिमिट है। अब बाकी चीजें तो जो है वो यहां से ही आप लिख सकते हैं, 3x2y dx dy, ठीक है। अब आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, आप पहले जो है वो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे ताकि पूरा x के अंदर आ जाए, और फिर x वाला तो जो है वो एब्सोल्यूट डेटा है, तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, इवेंचुअली आपको आंसर मिल जाएगा। बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लिमिट हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 0 से 1 dy वाला पुट करते हैं पहले, तो 3x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x, और y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2। y कहां से कहां तक है, 1 माइनस x से 2 तक, 1 माइनस x से 2 तक, पूरा फिर लास्ट में dx से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई 3, 0 से 1, 3x स्क्वायर, नाउ दिस इज 2 माइनस 1 प्लस x, सो दैट इज 1 प्लस x प्लस x बाई 2, दिस इज 4 माइनस ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और फाइनली आप जब आप इसको x के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे सो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा, जो कि जो प्रोबेबिलिटी पूछी है उसका आंसर होगा। बट दिस इज हाउ वी सेट द लिमिट्स। अगर आपको ये सेट द लिमिट्स करना आ गया तो आपका काम जो है वो इस टॉपिक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है यहाँ पे। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, हमें यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो कुछ अलग है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। वाई की लिमिट्स जो है वो काफी एब्सोल्यूट डेटा दिया हुआ है उसके अंदर, तो दैट इज this, something like this, this is y is equals to 1, this is y is equals to 2, चलिए, x जो है, वो 1 से बड़ा है, x जो है, वो 1 से बड़ा है, that is, x is more than 1, but y से छोटा है, x is less than or equal to y, तो ये लाइन क्या होती है, x is equal to y वाली लाइन आपको पता है क्या होती है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है, और दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एक्स जो है वो वाई को फॉलो करेगा, मतलब 45 डिग्री से जाएगा वो, तो समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सो ये है, और ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट होता है बिकॉज इट इज 1,1। चलिए, और एक्स जो है वो वाई से छोटा होना चाहिए। देखिए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, दैट मीन्स x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है उससे ये वाला रीजन आएगा या ऊपर वाला रीजन आएगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप एक टेस्ट पॉइंट ले लीजिए, ये वाला एक टेस्ट पॉइंट ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं, 0,1 मैं ले रहा हूं, 0,1, तो 0,1 जब मैं यहां पे रख रहा हूं तो 0 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। Is this correct? It is absolutely correct. That means 0,1 को satisfy कर रहा है, मतलब कि ये line से ये upward वाला जो region है वो आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, हमें यहाँ से देखना है, और फिर वो जो है वो upward region चाहिए हमें, हमें अगर upward region चाहिए that means, और 1 से देखिए तो कौन सा वाला रीजन आएगा, ये मैं थोड़ा सा अलग पेन से आपको दिखा देता हूँ, स्काई ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, ये वाला रीजन आएगा। कैन यू थिंक ऑफ दिस, y इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में सैंडविच रीजन है, x इज इक्वल टू 1 से बड़ा है लेकिन इससे x लेस देन इक्वल y से छोटा है, मतलब ये चारों दिशा से सैंडविच रीजन कौन सा है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, ठीक है।
चलिए ये फिजिबल रीजन हमें मिल गया। अगर आपको ये फिजिबल रीजन मिल गया तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा है एफ ऑफ एक्स निकालना है मुझे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है। एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन होता है वाई वन से वाई टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, स्वीप करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। चलिए चलिए, तो इसका मतलब कि हमें एफ ऑफ एक्स वाई तो लिखना ही है यहां पे। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 8/9 है और यहां पे है एक्स वाई डी वाई। चलिए इसकी लिमिट्स क्या आएगी, वाई वन से लेके वाई टू तक जाना है, वाई वन से लेके मुझे वाई टू तक जाना है। इसका मतलब कि मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, ठीक है। दिस इज वाई वन, दिस इज वाई टू, दिस इज वाई वन, दिस इज वाई टू। चलिए y1 क्या है, y2 क्या है, y2 तो मुझे पता है, y2 है मेरा 2, तो ये ऊपर आ जाएगा, अपर लिमिट इज 2, बिकॉज़ y2 इज 2। भाई ये पूरी हॉरिजॉन्टल जो है वो यहाँ, मतलब ये जो वर्टिकल लिमिट है ना, तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये उसका अपर एंड तो हमेशा 2 को टच कर रहा है ना, और लोअर एंड उसका किसको टच कर रहा है, वो है ये वाली लाइन जो कि है y इज इक्वल टू x। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा यहाँ पे x, because this line is what, this line is y is equal to x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 जो है वो मेरा हर जगह पे x हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे इसको, आप इसको सॉल्व करेंगे 8/9 x से लेके इंटीग्रेट ही कर देते हैं, which is x y 2 y square x से लेके 2 तक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8/9 8/8 आई मीन दिस इज 4 हो जाएगा, 4x/9 सो दिस इज 4x/9 4x/9 और ये क्या हो जाएगा, 4-x2 सो दैट इज 4-x2। चलिए इस तरह से हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग तरीके के हमें ये चीजें जो दी हुई होती है, जो लिमिट्स दी हुई होती है, आपको उसको ध्यान में रखते हुए एक फिजिबल रीजन बनाना होता है और फिर आपको उसको सॉल्व करना रहता है। अगर आपको ये वाली चीज आ गई तो आपको ये वाला टॉपिक मान लीजिए कि समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज के साथ, ठीक है। तब तक आप सोचिए कि अगर 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 यहाँ पे उल्टा होता, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 <x>2 होता और 1 <y>x होता तो क्या आंसर आता। थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग करके भी आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा, तो आप उसको देख के ट्राई कीजिएगा कि कैसा आएगा, ठीक है। चलिए और इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टिल देन, बाय बाय।